बना गए ये गुड बॉय। मिलते हैं आपसे, गाड़ी चला लूं पहले थोड़ी। तो ये बना है आज हमारे घर देसी नाश्ता, बोलते भाकरी और फली की सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम अच्छी हूँ। तो अभी नदीम आए हैं ऑफिस से और वो फटाफट तैयार हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कल बारात हो गई थी तो आज रिसेप्शन है, तो हम रिसेप्शन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी थोड़ा मेकअप मेरा थोड़ा अधूरा है तो मैं वो कर रही थी, फिर मेरे को याद आया ब्लॉग चालू करना है, तो अभी वो तैयार हो रहा है, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं आपसे तैयार होकर मिलती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको तैयार होकर। अभी नदीम हमारा तैयार हो चुका है, इसका ब्रॉच लगाना है मुझे, पकड़ इसे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने अपने ईद वाला आउटफिट पहना है और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो मैं वहाँ जाके आ रहा है और वो निकल रहा है, पापा के साथ जा रहा है वो और अम्मी भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे मिलूंगी और अपने सब कजन से फिर से मिलवाऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ शादी जा रही, रिसेप्शन है वहाँ पे। इसको पैराव में देंगे मेरी बहन को। वालेकुम। दुल्हन का भाई आखिर रो ही गया था कल, आप सबने देखा है। अभी क्या बोलूं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कैसा लगा बहन गई तो पूछ। बहन गई कैसा लग रहा है? शांत बहुत, मतलब अंदर से कुछ अलग ही फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। घर का सारा काम उसको करना, घर का सारा काम तेरे को करना पड़ रहा है। सुबह सुबह बर्तन धो लिए, पानी भरवा दिया। है गाइस, हम आज लौटे हैं वली में के अंदर वापस। ये हमारे रानी भाई के भाई है, इसके इसने आपके पापा का कुर्ता पहन लिया है, ये देखिए। अभी हम सब लोग मिल चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये मेरा भाई है बंटी, मेरे से 4 महीने बड़ा, ये मुझसे 4 महीने छोटा, 3 महीने ये उससे 4 महीने छोटा, 4.5 साल छोटी है। ये साहब इसको तो जानते हो आप, ये कल आप जानते हो, इसने वाटरप्रूफ मेकअप किया हुआ था, आज चश्मा लगाया हुआ है। आज वाटरप्रूफ ही जाइयो क्या? आज वाटरप्रूफ नहीं है, पहले लाइट वेट आपने मेकअप किया रखा होगा, रात थोड़ा डल है। ये देखिए फोकस कीजिए इनके ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये दूल्हे राजा के भाई आए, आप कुछ कहना चाहेंगे आपके भाई के बारे में? आपको कैसा फील हो रहा है? अरे कुछ कह नहीं सकते, इतना वर्ड है, इतने वर्ड है, कुछ कह नहीं सकते। आप समझ सकते हैं इनका फेस देख के, बताइए। देखिए अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ चल रहे हैं। ये दुल्हन की माँ है। अभी तक इमोशनल है, अभी तक इमोशनल है, अभी भी इमोशनल है, अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। ये मोनू के पापा वेटिंग में है कि कब लोग हटे और कब मैं धाबा बोलूं। और इसी के साथ रानी अपने सूट से परेशान होते हुए काफी मुंह पे बहुत थकावट दिख रही है, चेहरे पे चमक है मेकअप की, फिर भी खुशी है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वेटिंग चल रही है, हम वेटिंग में लगे हुए, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितनी वेटिंग चल रही है, मेरे मम्मी पापा भी लाइन में लगे हुए हैं। देखते ही देखते देखते ही देखते उनका नंबर आ गया, ये गुड बॉय। दुल्हन की सबसे चाहिए थी खास फ्रेंड। फाइनली इनका नंबर आ चुका है, दूल्हा दुल्हन के वेटिंग में लगने के बाद इनके चेहरे पर खुशी देखी। इन्होंने चश्मा उतार दिया, इनका वाटरप्रूफ मेकअप, ये देखिए आप दिख रहा है, आप दिख रहा है। ये हमारे सबसे चेस्ट थे मामू है, ये हमारे स्टैक पे है, ये सर्जरी का काम करते हैं, कोई किसी की संपर्क नहीं है। डूल उड़ो उड़ो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है भांजी की जुम्मा चौथी या काकंडोरा जो भी बोलते हैं वो है। तो हम लोग सब अभी निकल रहे हैं, सब रेडी हो गए हैं, वहाँ जाके बताते हैं वहाँ क्या होता है। मिलते हैं आपसे, गाड़ी चला लूं पहले थोड़ी।
इसके बहुत नाटक लगेंगे अभी, बस इनका वेट करते रहो। तो हम आए गोल नाटक की गलियों में, अपने गांव की गलियों में चले हम। ये दुल्हन की सबसे चाहिए थी दोस्त। चुके हैं दुल्हन के घर पे और दुल्हन का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर जहाँ पे खाना है वहाँ पे जाना है, तो बस इंतजार कर रहे हैं उसका खड़े होके। बिना जूतों के जूते छीन लिए गए उनसे। निराशा का माहौल। ये जूते चुरा के बैठ गया, दे नहीं रहा। जूता चोर, दे नहीं रहा है। अभी तक साहिल अपने जूते नहीं छोड़ रहा है। तो अभी बजे हैं रात के 10:30 और हम घर जा रहे हैं, और हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। और इसी के साथ हमारे फंक्शन सारे ख़त्म होते हैं। शादी में बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, कज़न से मिले, फैमिली टाइम मिला। तो अब बस अब वेट करते हैं नेक्स्ट शादी किसकी होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।